ये जो बिजनेस है ना, आप देख सकते हो, ये कम खर्च, कम लागत, कम मेहनत में अधिक मुनाफा देता है, बहुत ज़्यादा, जिसको आपको उम्मीद नहीं है। सिर्फ आपको आपको इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनको कैसे पालन किया जाता है, इनको कैसे रखा जाता है। सिर्फ देसी मुर्गों में, बॉयलर और डबल एच के बारे में नहीं होता, देसी मुर्गों को बता रहा हूँ, क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न शुरू होने वाला है। तो सर्दी का सीज़न शुरू होने से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ जाती है। इनका अंडे, देसी मुर्गी के अंडे बहुत सारी दवाइयों में यूज होते हैं, जो कि अच्छे देसी मुर्गी, प्योर देसी मुर्गे होते हैं तब उनके। तो हमारे स्किन देखो, ये प्योर देसी मुर्गी, ये इनके अंडे, ये नहीं कि नॉर्मल अंडे मुर्गे ले दिए उसके, नहीं, ये जो प्योर देसी मुर्गे होते हैं ना, इनके अंडे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। आप देखो स्क्रीन देख सकते हो मुर्गे, देखो ये कबूतर, ये जो मोर, जितने मोटे बड़े बड़े मुर्गे हैं ना, तो इनके अंडे बहुत सारी दवाइयों में यूज होते हैं। ये देखो ये मुर्गे आप देख सकते हो, ये देखो कितने तंदुरुस्त मुर्गे हैं। अंडों का रोटेशन ज़्यादा होता है तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आप कर सकते हो, आपको कोई दूसरे की नौकरी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही टॉप क्लास का ये बिजनेस है। बस इनको रखने का तरीका, इनको खाने खिलाने का तरीका, इनको हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए ताकि इनको परेशानी नहीं आए। वैसे तो कई प्रकार की मुर्गी की प्रजातियां होती हैं, कोई बॉयलर पालता है, कोई सोनाली पालता है, कोई कड़कनाथ पालते हैं, कोई डबल एफ जी पालते हैं, लेकिन देसी मुर्गे हर एक आदमी नहीं पाल सकता, क्योंकि उनका रख रखाव उनको रख रखाव और उनकी थोड़ी सी मेहनत अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि देसी मुर्गी हमेशा फ्री रेंज एरिया में ही रखने से फ़ायदा होता है। आप जैसे आप कहीं पालन करोगे तो अच्छा होगा, लेकिन फ्री रेंज एरिया की ज़्यादा अहमियत होती है। जैसे कंकर पत्थर, कीड़े मकोड़े खा के पेट भरते हैं, और बाकी हरियाली भी इनको ज़रूरी है, हरा चारा, जैसे कि खा रहे थे मुर्गियाँ खा रही है ना, तो इनके लिए मैंने बोल रखी है, खाइए, ये खाते रहेंगे, हरा चारा इनके लिए अच्छा है। यहाँ आप देख सकते हो हरा चारा से इनसे बहुत ही ज़्यादा इनको विटामिन मिलता है, इनको बहुत ज़्यादा इनके शरीर की पूरी कमजोरियाँ दूर हो जाती है, जो भी कैल्शियम की कमी हो दूर हो जाती है, हरा चारा खाना ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी की ये बैंगन मैंने बो रखे हैं, लेकिन जब ये खा रहे तो इनके लिए खाने तो इनके लिए अच्छा है, सब्जी कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए भी मैंने तो ये चावल लगा रखी थी इनके खाने के लिए, ये खाएँ, बाकी और उधर चारा बो रखा है, खेतों से लगे चारा डालते हैं। यहाँ देखो तो आप ये चीज़ पालन, मुर्गी पालन कर सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, 0% होने फ़ायदा ही फायदा है। बस आप इनके लिए प्रोटेक्शन के लिए जाली जूली बांध के थोड़ा खुला एरिया वगैरह वगैरह हो तो कर सकते हो, बाकी किसान भाई तो करना चाहिए, हर किसान को ही करना चाहिए, क्योंकि खेत होता है, ज़मीन होती है, उनके पास हर चीज़ के अंदर हरा चारा होता है। हमारे पास तो इतना खेती नहीं है, छोटा है, अभी तो बारिश के समय में ये जो खेती कर रखी है, बाकी और है नहीं, इसलिए हम तो इतना कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाकी आप देख सकते हो हरा चारा इनके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है। ये
मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप देसी मुर्गी पालन करिए और अपना बिजनेस शुरू करिए, अपना परिवार का खर्चा चलाइए, आपको दूसरे से नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये अच्छी बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास का बिजनेस है। आज के समय में 50 रुपये अंडा में बिना गर्मी या अपने बिना सर्दी 50 रुपये अंडा बिक रहा है और मिल नहीं रहा है, तो सर्दी में देखो इसके अंडा कितना महंगा बिकेगा। हमारे एरिया के अंदर अंडे बिकते हैं, मीट और मुर्गी नहीं बिकती, केवल अंडे बिकते हैं। तो हमने मुर्गियाँ रख रखी है, अंडे बिके। ये देखो मुर्गे मेरे इतने बेहतरीन क्वालिटी के, असील की कई प्रकार की नस्ल होती है। देखो असील मुर्गा है ये, देखो ये सभी असील है, लेकिन ये असील अलग है। लेकिन ये जो असील होता है ना, ये इसके मुर्गियाँ ज़्यादा पास में रहने जाती है, एक या दो मुर्गी के अंडे दे सकती है। बाकी तो ये असील है ना हमारे वाले, ये इनके पास में 8 मुर्गी छोड़ दो आप, सब अंडे देंगे। तो ये असील में कर मैंने देखा, इसलिए मेरे पास ऐसे थे, मैंने कई भेज दिए। ये पहले लड़ाई करता, लड़ाई काम में किसके काम के लिए होता है इतना भारी, लड़ाई झगड़ा नहीं कराते। देखो ये हमारा रोगी चार मुर्गा, देखो ये देखो बच्चा है, अभी बोलने नहीं लगा। देखो इधर आ गए पूरे टू टू करते करते। तो ये थी छोटी सी जानकारी, आप केसल की कमेंट में ज़रूर बताना, मैंने बताया। अच्छा बिजनेस है और करिए आप।